Hey guys, good morning, welcome back to Nishtha जोशी vlog। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल आपने हमारा vlog देखा ही, अब बिना मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका है। कब का? 9:30 हो गए हैं। और एक्चुअली क्या है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि जाएगा तो जाएगा, वरना तो देखी जाएगी, क्योंकि निष्ठा का टाइम है ये, छुट्टी का एंजॉय करने का। कहीं हम जा नहीं सकते, बच्चे छोटे हैं, तो कम से कम घर में तो अपने टेंशन में सो के उठे। अब सुबह सुबह इसको ये भी उड़ जाती है मेरी हबड़ दबड़ में, तो मैं सोच रही थी अगर मुझसे जैसे भी जाया जाएगा मैं चली जाया करूँगी, नहीं जाया जाएगा तो नहीं जाऊँगी, बट इसको नहीं उठाऊँगी कि बच्चे को संभालो या मेरे को जाना है, पलंग झाड़ना है, ये सब करना है, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम है तो इसको टेंशन फ्री सो के उठना चाहिए, वरना तो उसकी परेड बनी जाएगी। आपको पता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो फिर रोज़ सुबह टाइम से उठना हर चीज़ रहती है, बट अभी ना अब इसका टाइम है कि वो थोड़ा रेस्ट करे घर में, तो इस वजह से अभी तो देखा जाएगा। अगर अभी मैं जाऊँगी तो मैं चली जाऊँगी, फ्री हो जाऊंगी थोड़ा सा। अभी मैं डस्टिंग वगैरह सारा फैला हुआ है, मैं बिस्तर बना रही थी, देखे यहाँ मैंने रखा हुआ है सारा सामान। और ये रजाइना भी हम रख नहीं रहे क्योंकि हमारे गद्दे का भी काम करती है, फिर बच्चे ना बहुत खेलते कूदते हैं और रखनी क्या, वैसे भी थोड़े टाइम बाद ख़राब भी हो जाएगी, जितना हो सके बच्चे यूज़ कर ले कर रहे। और हम यहाँ किनारे पर भी लगाते हैं, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर बेड रेल नहीं है, तो मतलब एक सपोर्ट बन जाता है 19-20। बाकी खड़े वड़े होने का हर चीज़ का तो हम यहाँ पे ध्यान रखते ही हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट में यहाँ पे आ जाए, जब मैं बच्चों का बिस्तर बनाती हूँ, और बच्चों का बिस्तर आप सोचते हो मैं रात को ऐसे क्यों करती हूँ, बच्चों का रात को रूम का ये सब सफाई इसलिए करती हूँ क्योंकि जीतू नहीं संभाल पाएगी इस बेड पर दोनों बच्चों को, और वो इस वजह से और कहीं पर भी नहीं संभाल पाएगी दो बच्चों को एक साथ, गोदी में बहुत देर तक नहीं रहेंगे क्योंकि टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं निष्ठा के डैडी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, आपको पता ही है, डैडी जिसके पास हो तो डैडी या मम्मा, तो बच्चा उनके पास अच्छे से रह लेता है। तो इस वजह से तो अभी मैं थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ, बिस्तर बना रही हूँ, उसके बाद अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं चली जाऊँगी, अदरवाइज़। और पता नहीं कुछ क्या तो रही, जिम वाले भैया भी कह रहे थे मेरा पेट कम हो गया, पता नहीं दिखाऊँगी मैं आपको ऐसे अभी, तो आप भी बताना। अभी तो मैंने नाइटी पहनी हुई है तो पता नहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा है। बाकी निष्ठा भी कह रही थी कल, निष्ठा के डैडी भी कह रहे थे कि हाँ फ़र्क तो पड़ रहा है, तो देखते हैं। और जिम वाले भैया ने भी बोला ही था कि कम हो रहा है, पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया है, तो चलिए अगर जाया जाएगा ठीक है, नहीं तो निष्ठा के स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद तो खैर वो स्कूल चली जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बच्चे सो जाते हैं, बट अभी मैं मुझे टाइम लगेगा तो मैं जाती रहूँगी। एक ये था ना कि रूटीन रोज़ ही जाना है, तो मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि निष्ठा की छुट्टी है, रोज़ सो के उठती है लेट, मतलब मैं चाहती हूँ कि जल्दी ना उठाऊँ, और जल्दी उठ उसको उठना पड़ता है क्योंकि मुझे जाने के लिए आधा काम करके जाना पड़ता है, इसीलिए तो पहले मैं बिस्तर झाड़ दी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सभी मम्मा तो जल्दी से आ चुकी है और मम्मा ने थोड़ा बहुत व्लॉग तो कर ही लिया होगा, और ना आज फ्रेंड्स मुझे ना नहाना है, हाँ इसलिए ना अगर मैं बांधती हूँ ना तो ये जो बाल है ना ये ना बिना शैम्पू के ना, अगर मैं शैम्पू नहीं करती हूँ अपने बाल को, हाँ तो फिर ना ये ना एकदम से ना जम जम जाते हैं। अभी मैं नहाऊंगी आज, इसलिए मैंने ये बांध लिया है, क्योंकि अगर मैं नहाऊंगी तो मैं हेड वॉश करूंगी और हेड वॉश से ये मतलब वैसे जम भी नहीं जाएंगे, इसलिए छोटे बाल में फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। मम्मा मेरे बाल बढ़ रहे हैं ना, पता है फ्रेंड्स एक दिन नानी क्या कह रही थी, और लंबे बाल होंगे और कटवा लूंगी, नानी खुद तो अपने छोटे छोटे बाल रखती है, मेरे भी छोटी करवा देती है। मेरी न्यू ज्योमेट्री कल मेरे डैडी लाए थे, एंड मैं भी आपको इसको खोल के बताती हूँ कि इसमें क्या किया है, और मैं खुलती इतनी जोर लगा के मैं करूँ तो मैं करूँ क्या फ्रेंड्स, एक सेकंड। एक बार ये ज्योमेट्री खोलूंगी, मुझे फ्रेंड्स को दिखा दे, हाँ फिर पता है जब मैं स्कूल जाने लगूंगी, अभी तो मेरी छुट्टी आ रही है, जब मैं स्कूल जाने लगूंगी तब ये कैसे खुलेगी फ्रेंड्स। एंड इस पे मैंने बहुत सारी पेंसिल्स रख रखी है अलग अलग कंपनी की, मुझे पता सबसे ज़्यादा कौन सी पेंसिल अच्छी लगती है, ये वाली अच्छी लगती है, ये वाली डार्क चलती है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है, अगली बार डैडी को कहूँगी ये वाली पेंसिल लाएंगे। हेलो
ये वाली पेंसिल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ये दो प्लेन इरेजर, ये मेरे पास दो प्लेन इरेजर है, इनको मैंने अभी तक, इन दो प्लेन इरेजर को मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है, इन दो प्लेन इरेजर को मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं इनका कितना अच्छा टेक्सचर है। ये एक कार वाला इरेजर है एंड ये के वाला इरेजर है। और फ्रेंड्स अगर आपको वो इस वाले इरेजर में विश्वास नहीं होता है तो फिर ये देखो, ड्रिफ अवे ए योर मिस्टेक्स, ये भी तो लिखा है ना। और इधर इसमें इरेजर भी लिखा है, नटराज इरेजर, आप कर लोगे विश्वास, ये तो सच में इरेजर है फ्रेंड्स। ये देखो, ये तो निकल भी सकता है फ्रेंड्स, ये तो निकल भी सकता है, नहीं तो निकल भी सकता है इरेजर। ये देखो कितना, मैं इस बात में जोड़ लूंगी क्योंकि इस पे बाद में जोड़ने का भी है इसलिए। और फ्रेंड्स अगर मैं इसे नहीं जोड़ पाई तो फिर मेरे पापा मेरे लिए लाए, मेरी मुंडी तोड़ देंगे वो, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं जोड़ पाऊंगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी एंड फिर पता नहीं क्या होगा। मेरी इस प्यारी सी ज्योमेट्री में, एंड ये इस पे टेबल है फ्रेंड्स, इसमें ना फ्रेंड्स पता है क्या है कि ना टेबल लिखी है तो फिर मैं चिटिंग कर सकती हूँ, चिटिंग कर सकती हूँ। ये जिस पे चाबी टूटी हुई है, ये लॉकर, हाँ ये उसमें ना मम्मा ने ना मुझसे छुपा के क्रीम्स रखी हुई है, और ये जो है ना ये खुला हुआ है और चाबी है मेरे सामने, इसलिए अगर मम्मा बंद भी कर देगी तो फिर भी मेरा फ़ायदा है, इसलिए मैं इसमें से क्रीम निकाल के लगा रही हूँ। और मैं मम्मा को याद भी दिलाना चाह रही, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरी शामत आ जाएगी यार, मैंने एक ही बोल दिया कि मैं इस पर से चुरा के लगा रही हूँ। फ्रेंड्स अभी मम्मा इधर नहा के आ चुकी है कप की, और मम्मा इधर बना रही है चाय, फिर नहीं खिचड़ी ज़्यादा खाता है ना, दोनों को ही पसंद है, कुछ ही खिलाते हैं उसको, अपना खाना भी टेस्ट कराते हैं, लेकिन पेट तो खिचड़ी सी होता है। और मैं इधर की रूम में लिख शेक स्ट्रॉबेरी वाला, इधर मीक भैया ने मुझे काट लिया, वे मीक भैया ने काट लिया मुझे, वे देखो दीदी देखो मैं क्योंकि सैंडविच और मम्मा है ना सैंडविच में थोड़ा सा ना ओरिगैनो डाल दिया है, और मम्मा से ना गलती से ना चिली फ्लेक्स डल गई थी, इसलिए मैंने क्या किया सारा चिली फ्लेक्स निकाल के मैंने ना इसमें डाल दिया सॉस में, है मम्मा, ताकि ये सॉस एकदम मिर्ची वाली हो जाए, इसलिए अब मैं इतनी मिर्ची वाली सॉस खाऊंगी। और ये मेरा ओरिगैनो, तो फिर मैं अपने खाने को एंजॉय करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। अभी जीत तो जा चुकी है और अभी मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी बच्चों को संभालना था इसलिए, एंड अभी डैडी भी आ चुके हैं एंड ये रहे फ्रेंड्स डैडी, उसको देखो वो क्या कर रहा है, वो दिया बड़ी मुश्किल से बिस्तर पर रुक नहीं रहा था, इसको ये दिया है फिर मैंने रूम फ्रेशनर, तो उसको कट 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 फ्रेंड्स है ना दुनिया के पहले ऐसे बच्चे, देखो इन्होंने मेरी पेंसिल बॉक्स की क्या हालत कर दी। अब ये आधा पीस है मेरे पेंसिल बॉक्स का, ये जो आपको पड़ा हुआ दिख रहा है डैडी दे रहा वो पेंसिल बॉक्स का पीस, ये किसने तोड़ा, मीक तोड़ गिरा दिया था उसने, टूट गया, देखो ये आधा पीस है मेरे पेंसिल बॉक्स का, ये आधा पीस है उस पेंसिल बॉक्स का और आधा पीस इसमें रखा होगा। कितने आराम से यहाँ पर चूसा जा रहा है रूम फ्रेशनर, डैडी पता मैंने बीच से क्या डील करी है, जब ये वेट वाइप्स खत्म हो जाएंगे ना इसका भी ये जो है ये निकाल लेंगे, इसका जो ये है ये निकाल लेंगे कवर, हाँ ढक्कन उसका, हाँ फिर उसका क्या करोगे, उससे खेलेंगे जैसे ये पड़ा हुआ है,
तीन तीन दे सकते हो आप, ये जो आप कट 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 कर रहे हो इस मुंह से, नहीं दे सकते तो प्लीज आप नहीं दे सकते, डैडी नहीं दे सकता। तो इसने और जोर से पकड़ लिया। डैडी पता है और फिर क्या सोचा है, आज लेट तक जाऊंगी मैं। दिन में सोए हो क्या? नहीं। हाँ? नहीं। क्या बोल रहे हो? नहीं सोई। फिर क्या जगोगे? जग जाऊंगी। एक एक दिन जब मैंने पूरी आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई थी तब भी तो जगी थी। तो आज भी आइसक्रीम देनी पड़ेगी। हाँ। क्या? नहीं। लेट तक जगोगी आज? नहीं आज मैंगो मैंगो। लग रही पतली? हाँ। रेडी? लग रही है। हाँ पहले तो इतना सा था। यहाँ से भी शेप भी अच्छी सी बन गई है ना, ये कमर पतली हो गई ना इससे। पता मम्मा पहले कितना था? सुनो इतना था पहले है ना, बहुत इसमें तो बहुत ही ज्यादा आ रहा था। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस रूम में, दोनों बेबीज हमारे छोटे छोटे, एंड अभी निष्ठा इनकी जो दीदी है वो गई है वॉशरूम ब्रश करने, क्योंकि इस टाइम ही ब्रश करती है इस रूम में आके। और ये दोनों इसे ऐसे यहाँ पर बैठ के देखते हैं। पापा 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 बोलो पापा ब्रश करती है और ये दोनों इसको बैठ के देखते हैं। ठीक है दीदी ब्रश कर रही है, आप भी करोगे जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, फिर आप भी ब्रश करना। हाँ जब आपके सारे टीथ आ जाएंगे तब करना आप, ठीक है? फिर देखता हूँ कितना मन लगा के करते हो आप डेली सुबह शाम, ठीक है? ठीक है गुंडा किस देख रही है, बाल क्यों पकड़ रखे हैं आपने? अच्छा इसमें